आलू के पकौड़े तो तुसी कई बार बनाए होंगे तो खाधे होंगे जी, पर ये वाले पकौड़े तुसी कदे नहीं बनाए होने। चलो फिर आप वीडियो तो यह बना ही रहे हैं जी, अज आलू के पकौड़े की जी ये स्टफिंग है वह भी आप एक अलग जे तरीके भरेंगे, बहुत ही यूनीक जे तरीके ने इन्होंने पकौड़े आप बनाने वाले हैं। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, अज आपां बनावांगे जी आलू के पकौड़े एक नवे तरीके नाल बनावांगे, जिहड़े अज तों पहलां तुसीं कदे नहीं बनाए होणे। वीडियो दे नाल बने रहो जी रैसपी नूं सिखण वास्ते। वीडियो जेकर वधिया लगी लाइक जरूर करो, शेयर वध तों वध करो जी, अपने चैनल नूं इह जिहड़ा हुणे सबसक्राइब कर लो इस तरह दीआं रोज़ रैसपीज देखण वास्ते। चलो जी फिर रैसपी नूं स्टार्ट करदे हां। इत्थे जी आपां मीडियम साइज़ दे आलू रख ले आ, आलू जिहड़े चंगे तरीके नाल आपां धो ले आ। इस रैसपी वास्ते जिहड़े मीडियम साइज़ दे आलू ही लगणगे, ते आलू ना फ्रैश होणे चाहीदे, ताजे ज़्यादा बेहे नहीं होणे चाहीदे। तो सारे आलू जी आप इस तरीके छिल के जो धो के तैयार कर ले। हूँ आप कौलियाँ बनावे आलूआं दियाँ, उन्होंने आप फिल करा इस तरीके ना, आप उपरों जो आलू नू कट देना हल्का जहा इन्ना क, तो फिर आप हल्का जहा कट लगा लेंगे इस तरीके चाकू की मदद न। बहुत ही आसान तरीके जो ये बना लो, बस किनारियों तो जगह जरूर रख लियो थोड़ी थोड़ी इस तरह के इधर इस तरीके ना, तो आलू विचकार तो आप कढ देंगे इस तरीके ना। चमच की मदद ना जो आलू विचों सारे कढ देंगे, या तुसी इधरली साइड में भी यूज़ कर सकते हो, आसानी रहेगी। इस तरीके ना जी सारिया कौलियाँ जिहड़ियां आप तैयार कर लेनिया बना के देखो। सारे आलू जी आप सेम इस तरीके तैयार कर ले, इनू रख दें आप साइड पर। हाँ जी आप एक बर्तन के जी स्टफिंग तैयार करा इन्ह पकौड़े की, सब तो पहला मेरे को है जी उबले हुए चने। उस तो बाद जी आप पावे बरीक कटिया हुआ प्याज, बरीक कटिया हुआ आप प्याज पा देंगे जी। उस तो बाद बरीक कटिया हुआ टमाटर, टमाटर जे तुम ना ऐड करना हुआ थोड़ा ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हो। बरीक कटिया हुआ पुदीना, बरीक कटिया हुआ हरा धनिया, बरीक कटी हुई हरी मिर्च, अद्धे चम्मच तो थोड़ा जिहा घट काला नमक पावे जी। आप फ्लेवर दे लई थोड़ा जिहा चाट मसाला पावे, आप थोड़ी जी कश्मीरी लाल मिर्च पावे जी। आप हुण इहदे विच पावे जी इमली का पल्प, यह आप बना के तैयार करके रखा सी, दो चमच ये पा देंगे। स्टफिंग है जी बहुत टेस्टी बन के तैयार होंदी है, ये सारिया चीज़ों मिक्स कर लाँगे तो स्टफिंग अपनी हो गई है जी तैयार। स्टफिंग अपनी हो गई जी तैयार, बहुत चटपटी तो बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगी है ये। इतने जी आप 1.5 कौली लीती है बेसन की, बेसन में छाण के ही आप वरते, तो पैकेट वाला बेसन लिता आप, थोड़ा जहा नमक पावे बेसन च, थोड़ी जी लाल मिर्च, तो थोड़ा थोड़ा पानी पा के जो आप घोल तैयार करा जी। इस घोल में है ना जो मतलब एकदम पानी पा के नहीं आप तैयार करना, थोड़ा जहा गाढ़ा रखना, ज़्यादा पतला नहीं रखना। बेसन का जी घोल आप इस तरीके तैयार कर लिया, सारिया गंढा जी मारतियाँ ये कोई गंढ नहीं होनी चाहिए बेसन की, तो अपन घोल गाढ़ा चाहिए इस करके, जो आप एकदम जो पानी पा देंगे ना फिर ज़्यादा पतला घोल हो जूगा, तो जो आलू के पकौड़े आप बनावे ना आलूआ तो जो घोल टिकना नहीं। तो 2 मिनट आप चंगे तरीके ना जो हाथों तेज़ घुमाते हुए इन फेंट लाँगे, ये पकौड़े बहुत वधिया बनणगे। हुण आप हल्का जहा पानी ऐड करा, इस तो थोड़ा जहा आप इनू पतला करना है, तो फिर मिक्स कर लाँगे जी इनू। तो सब तो वड्डी गलती जी आप कर दें जो आप खासकर पकौड़े का घोल बनाने, भी जो घोल वो पहले तैयार करके रख दें, जो तक आप यूज़ करना होंगे पकौड़े बनाने होंगे उदों तक जिन्ना आपको गाढ़ा चाहिए होंगे उस तो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता, इस करके जो पकौड़े बनाने उदों ही घोल तैयार करो। ये घोल वधिया तैयार करेंगे जी आप, अपने पकौड़े है जो देखने भी सोहने लगनगे तो खाने भी टेस्टी लगनगे, वधिया बन के तैयार होंगे। लो जी अपना घोल जो हो गया तैयार, इस तरीके का घोल होना चाहिए, देखो बिल्कुल सही है जी। इसे सारा समान है जो आप तैयार कर लिया जी, इधर आलू भी तैयार कर ले, घोल भी तैयार कर लिया, तो यह है अपनी स्टफिंग। हम इस तरीके जी आप स्टफिंग एक चमच भर के भरा, बस इन्नी तो स्टफिंग है जी काफ़ी एक आलू के बच्चे, इन्होंने सारे पहले आप भर के तैयार करके रख लाँगे। तो सारे सेम इस तरीके जी आप तैयार कर लिए पकौड़े अपने।
सब तो जरूरी टिप जी इन्हों पकौड़े वधिया बनाने वास्ते, जेकर तुसी आलू दी कटोरियां पहले तैयार करके रखोगे ना तो इन्हों पानी के भिओ के रख दो, नहीं आलू है जो काले हो जाते हैं। हम आप पकौड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। कटोरी में जो उठावे आप बेसन के जो चंगे तरीके डिप कर देंगे, कोटिंग कर देंगे बेसन की चंगे तरीके, चमच नाल ही आप उठावे। तो इस तरीके जी गर्म गर्म तेल के जोड़ा आप पकौड़े में छक देंगे, उपरों हल्का जहाँ आप तेल पा देंगे। तो फ्लेम है जी तुम मीडियम जी रखियो, मीडियम जी फ्लेम से जरा तेल गर्म करो। थोड़े टाइम से यह पक जाएगा तो दूजी साइड पलट देंगे, दूजे भी सेम इस तरीके आप तेल के जो छड़ दें पकौड़े। मीडियम जी फ्लेम से आप पका रहे हैं जी, साइडा पलटते हुए इस तरीके सारिया साइडा तो जो पका लेंगे। जो आप फ्लेम ज़्यादा कर देंगे ना अग ज़्यादा होगी तो जो अपने आलू है बिचों कच्चे रहेंगे, तो बेसन की जी कोटिंग की है जी वह भी है जी कच्ची रह जूगी। इस करके जो आप मीडियम जी फ्लेम से उन्होंने हल्के हल्के पकाई चलेंगे। तो सारे गर्मा गर्म पकौड़े जी ये अपने बन गए, हम आप दूजे भी सेम इस तरीके बना लेंगे। इन्होंने बनने वास्ते तकरीबन मीडियम जी फ्लेम से 10 मिनट लगनगे। चंगे तरीके बेसन जो गोल्डन हो गया ना उपरों उदों तक आप तेल चो नहीं कटना, नहीं आलू है जोड़े वो कच्चे रह जाएंगे। क्या पकौड़े भी अपने बन के हो गए जी तैयार, देखो चंगे तरीके इन्हें गोल्डन कर लिया। गर्म गर्म ये भी आप प्लेट के जरा कट के रख लेंगे। सारे अपने बन के हो गए जी तैयार, सारे पकौड़े बन के हो गए जी तैयार। तुम इस रेसिपी में जरूर घरें जरा ट्राई करो, एक नवे तरीके के आलू के पकौड़े जो जरूर ट्राई करो। वीडियो किमें लगी जरूर कमेंट करके दस्यो जी, वीडियो जेकर वधिया लगी लाइक तो शेयर वध तो वध करो जी। आप मिलेंगे नैक्सट वीडियो के नाल, तद तक लई तुहानू सारयां नू सति श्री अकाल जी। जाने जाने अपने चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो जी। तो सारे पकौड़े बन के हो गए जी तैयार, हम थोड़ा एक पकौड़ा जरा कट के भी दिखाने है, थोड़ा जहा गर्म ज्यादा है। देखो इस तरीके आप कटिंग कर लाँगे, देखो जी सारे आलू देखो जिमें आप उबाले होंगे है ना सेम उस तरीके जो पक गए हैं, जी लेयर है वो बेसन की किन्नी वधिया पक के तैयार हुई है। सारी स्टफिंग देखो तो बिल्कुल चाट की तरह जिहड़े ये बन गए हैं। तो तुसी इन्हों सॉस के नाल हरी चटनी के नाल टमैटो कैचअप के नाल सर्व कर सकते हो, दही के नाल भी खा सकते हो।